सीताराम का विवाह ने आस्था और उपासना का दर्शन है प्रफुल्ल भाई शुक्ला। दीव दमन के पूर्व सांसद स्वर्गीय ढाया भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। वटार जय सिंह फलिया के पौराणिक कोटेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में चल रही विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला की 866वीं मानुष मनोरथी रामकथा में आज धूमधाम से सीताराम विवाह उत्सव मनाया गया। इससे पूर्व ठाकर जी एवेन्यू में चतुर्थ दिवसीय रामायण दशांश यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उपस्थित दर्शकों द्वारा पोथी एवं व्यास का पूजन किया गया। रामायण का प्रश्न कथा के आयोजक समस्त ब्रह्म समाज के प्रमुख भीमपुर निवासी चेतन भाई जोशी ने पूछा था। आज कथा में भगवान राम की बाल लीला सीताराम मिलन धनुष भंग की कथा सुनाई गई। दलू भाई पटेल भीमपुर और उनका परिवार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा लेकर आए, जबकि नरसिंह भाई पटेल मोती वाकड़ और उनका परिवार लड़की पक्ष में रहे और मां जानकी का कन्यादान किया। हितेश भाई दवे द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। कथा में आज प्रीशा पटेल द्वारा भगवान शिव का तांडव गाया गया। कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने व्यासपीठ से कहा कि सीताराम का विवाह आस्था और आराधना का दर्शन है। सीताराम विवाह की कथा के साथ साथ रामायण की बाल लीला को भगवान के चरणों में अर्पित किया गया। इस अवसर पर दीव दमन के पूर्व सांसद स्वर्गीय दाहिया भाई पटेल को उसकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। आज कथा में मुकेश भाई त्रिवेदी एवं अतिथि गण पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया।